एवरीवन, वेलकम टू ZK व्लॉग्स। आज हमारे साथ है जीके टेक गुरु और अभी हम बात करने वाले हैं DMM ने जो हाल ही में एग्जाम अनाउंस किया है 22nd को, फॉर्म्स भी निकल चुके हैं उसके। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जो कैंडिडेट्स जो अपीयर होने वाले हैं एग्जाम के लिए, तो वो लोग को मैं थोड़ा सा एक एडवाइस करना चाह रहा हूँ और साथ में बताऊंगा कि स्टडी कैसे करें, किस तरह से ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो इसमें शुरू में एक टोटल मेरे पास 5 पॉइंट है, शुरू से लेके लास्ट तक पूरी तरह से गौर से सुनिए। और ये एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम है, ना कि कोई ज़िंदगी की लड़ाई है। तो सबसे पहले दिमाग में से ये निकाल लीजिए कि बाबा ये मेरी लास्ट एग्ज़ाम है। आपको बहुत सारे मौके हैं, सिर्फ DMR ही नहीं है, DMR के बाद आपका और भी मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है, एम्स है, RRB है और बाद में अब्रॉड के लिए भी ट्राई कर सकते हो। बट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है लास्ट तक देखते रहो। और अपील है ये है कि अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नए वीडियो आपके पास में लाता रहूँगा। तो जैसे कि मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ कि आप पढ़ाई कैसे करें, तो आज मैं और गणेश आपके सामने बैठे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट राउंड में हम लोग ने क्रैक किया था। बहुत सारे लोगों ने हम लोग को पूछा कि बाबा स्टडी कैसे किया, पढ़ाई मतलब बुक्स कौन से लिया, ये सब। इसके लिए तो मैंने एक्चुअली आज एक मतलब सोचा कि एक वीडियो बनाया, तो गणेश का भी उसमें मतलब उसकी भी सोच वैसी थी कि बाबा एक वीडियो बनाना चाहिए हमारे यूज़र और सब्सक्राइबर्स के लिए। तो मैंने थोड़ा सीरियसली लिया, फिर गणेश ने भी थोड़ा सीरियसली लिया, फिर हम लोग ने पॉइंट बनाया। कल रात में हम लोग ने 3 घंटे तक मतलब सोचा कि बाबा ये लोग को क्या मतलब एडवाइस करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो एक महीने में आप ये स्टडी कैसे कवर करेंगे, मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। सिर्फ आप एक दिमाग में ये बात रखिए कि मैंने नर्सिंग के 4 साल या 3 साल 3.5 साल जो भी है कैसे बिताए, उसमें आपने जो भी प्रैक्टिकली देखा उसको सिर्फ मेमोराइज कीजिए। पेपर देते वक्त मतलब पेपर लिखते वक्त उसको मेमोराइज कीजिए। अगर आप क्लिनिकल कर रहे हो प्रैक्टिस, तो क्लिनिकल के वक्त आप जो भी आपको ड्रग्स दिख रहे हैं उसका स्टडी करो, जो डिसीजेस डायग्नोसिस किया है डॉक्टरों ने तो उसको आप मेडिसिन मतलब उसको आप उसके ड्रग्स से रिलेट करो, कोरिलेट करो उसको। आप सोचिए कि बाबा उसके मतलब उसमें आप नर्सिंग के क्या दे सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। तो अभी पॉइंट नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं हम। अभी पहला पॉइंट जो है बुक्स। सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम है कि बुक्स कौन सा रेफर करें। मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी मटेरियल अभी तक मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्टकट उसी में का ही आता है। उसमें से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। फर्स्ट आप फंडामेंटल कंप्लीट कीजिए। फंडामेंटल अभी आप सोचते हो कि इतना सारा बुक्स कैसे पढ़ेंगे, तो एक काम कीजिए जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है मतलब क्वेश्चन बैंक और जो भी आपके पास मटेरियल होगा क्वेश्चन पेपर का, तो वो आप ले लीजिए। वो लेने के बाद आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये फंडामेंटल का पेपर है, ये फंडामेंटल के क्वेश्चंस MCQs मुझे अभी क्लियर करना है। तो क्लियर करते वक्त कैसा करना है कि एक क्वेश्चन लिया उसका डिटेल में आपको अगर आता नहीं है तो फिर उसको स्टडी कैसे करना है। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, नेट ऑन करना है, गूगल पे जाना है, डाल देने का, उसके नीचे जो फर्स्ट कंटेंट आ जाएगा उसको आपको पढ़ना है। उसके इसमें आपका बहुत सारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ओके? तो इसका मकसद क्या है, आपका जो एम है इज टू क्लियर योर बेसिक्स, ना कि आप सिर्फ स्टडी करें और सिर्फ पढ़ के आपको कुछ नहीं फायदा होगा। सिर्फ आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 cc इंजेक्शन अगर देते हैं हम लोग इंट्रामस्कुलर, तो इंट्रामस्कुलर के वक्त उसका एंगल क्या होना चाहिए वो सिर्फ आप मेमोराइज कीजिए। आप अगर प्रैक्टिकली कर रहे हो, क्लिनिकल सेटिंग में काम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से आ जाएंगी। रही बात जो टीचिंग कर रहे तो वो लोग को बेसिक उनका मतलब ऑलरेडी क्लियर है क्योंकि वो लोग ने पढ़ा है और पढ़ाते हैं वो लोग,
ऐसा नहीं कि दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टीचिंग करने वाला भी आराम से कर सकता है और क्लिनिकल करने वाला भी आराम से कर सकता है। ईमानदारी से ड्यूटी कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, आप सफलता आपको मिल जाएगी। अभी हम बुक्स के बारे में देर कुछ ऐसा बुक लेने की जरूरत नहीं है। कंटेंट जो भी आपके पास कंटेंट है और जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज आप बुक सिलेक्ट कीजिए। बुक सिलेक्ट करने के बाद उसको पढ़े, मतलब उसमें के क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रयास करें। तो सेकंड जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ कि मेथड ऑफ स्टडी। अभी मेथड ऑफ स्टडी में क्या है कि आपका जो भी दोस्त रहेगा, जैसा मेरा दोस्त गणेश है, वैसा मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो भी करीबी दोस्त रहेगा, आपकी वाइफ रहेगी, आपका भाई रहेगा, कोई भी रहेगा, उसके साथ आप एटलीस्ट दो घंटे सिर्फ क्या करना है, अभी मैंने जो आपको बताया कैसे पढ़ाई करना है, गूगल की हेल्प से पढ़ाई करना है, मतलब जो भी आप जहाँ पे भी स्ट्रक हो जाते हो वो क्वेश्चन पे आपको वो गूगल सर्च करना है, उसके नीचे का कंटेंट पढ़ना है, उसका मीनिंग जानना है। और एक चीज उसमें एडिशनल, जो उसमें चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को गूगल करना है। इससे क्या होगा कि एडिशनल आपको नॉलेज मिल जाएगा। और जो भी मुझे जो मैं अभी स्टडी करते वक्त कैसे करूँगा कि मुझे जो पता है मैं गणेश से डिस्कस करूँगा और गणेश जो उसको पता है वो मेरे से डिस्कस करेगा। इससे क्या होगा कि आपका कम वक्त में डबल स्टडी हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि ग्रुप डिस्कशन से आपका एक्सेलेंट पढ़ाई हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान में रखें और ग्रुप डिस्कशन से स्टडी स्टार्ट करें। तीसरी बात, बहुत लोगों ने अभी बोला कि बाबा ट्यूशंस कहाँ पे है, क्लासेस कौन ले रहा है, तो मैं आपको पहली बात बता देता हूँ कि मैं ट्यूशंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल ट्यूशंस के अगेंस्ट नहीं हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूशंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके ड्यूटी और आपकी स्टडी ईमानदारी से करें, ड्यूटी ईमानदारी से करें। साथ में जब आप ड्यूटी करते हो तभी आप स्टडी को कोरिलेट करें उससे। सिर्फ एक महीने का वक्त है, एक महीने में आप ये सब कुछ कर सकते हो आराम से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्यूशन्स भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए कि ग्रुप डिस्कशन करिए। उससे क्या होगा कि जो आपका वक्त वेस्ट हो रहा है, मतलब सेल्फ स्टडी में, तो आप क्या करें कि ट्यूशन्स की आपको ज़रूरत नहीं है, लगाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ना लगाए तो भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप मेरे बताए गए तरीके से पढ़ाई करें। इससे क्या होगा कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो और आपको मेमोराइज अच्छे से हो सकता है। मैंने आपको जैसे बताया कि बाबा कोई भी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक मतलब इसमें से भी मुझे कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, तो उसमें के मैं एक दो तीन आपको रिकमेंड कर देता हूँ। तो उसमें से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक नवदीप का एक पब्लिकेशन का एक बुक है, उसके बाद फिर जो है अपना जेपी प्रकाशन, मतलब जेपी पब्लिकेशन का एक बुक है जो 790 रुपीज का कुछ आ जाता है। विजयम वो भी एक बुक है, अच्छा है। मोस्टली क्या करो कि अभी जो लोग पास आउट हुए वो लोग को अच्छा ही है, लेकिन जो लोग अभी मतलब दो तीन अटेम्प्ट किए वो लोग को भी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम्स आते रहेंगे और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि डीएमआरई पूरा सब कुछ है। फोर्थ पॉइंट, जो एज बार के करीब जो लोग हैं, जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो लोग एक ही चीज़ ध्यान में रखें कि बाबा अभी मतलब वो लोग का फाइनल तो ये नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा सोचे। दिमाग में क्या रखना है कि बाबा आज मैं सिंपल एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ। तो वो एग्ज़ाम देते वक्त आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब एग्ज़ाम देना है। जो भी आप एक महीने के अंदर पढ़ोगे वो आपको एग्जाम में उतारना है। याद रखें कि लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं चाहिए इसके अंदर। अगर आप लॉजिकल थिंकिंग करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। सेकंड चीज़ उसके अंदर का मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के जुरिसडिक्शन के लिए, मतलब महाराष्ट्र के बाउंड्रीज के लिए है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लेवल से मतलब
एग्जाम होगी, ना कि आपके एम्स लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ना आरआरबी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आप एक ध्यान में रखें कि बाबा मुझे पढ़ाई करना है बेसिक लेवल से, जैसे कि मतलब सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे वो लोग। तो इसका ध्यान रखें कि बाबा मुझे सिंपल एग्जाम अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जीएनएम और जो भी आपने बीएससी में पढ़ा है उसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछेंगे, डॉक्टर लेवल का कुछ भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल पूछेंगे बीसीजी का वैक्सीन लाइव है या किल है, ये सब क्वेश्चंस रहेंगे। और जो 125 मार्क्स का जो ये है नर्सिंग का, ये सब बेसिक रहेगा, अपना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल, फार्माकोलॉजी, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना ये रहेगा साइकेट्रिक रहेगा, कम्युनिटी रहेगा, पीडियाट्रिक रहेगा, गायनेक भी रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है कि एक बार आप मेमोराइज कीजिए, आपने हमने अभी तक मतलब क्या पढ़ा, काम क्या किया। ये कैसा है, अभी तुम जो बुक की पढ़ाई के बारे में बोल रहे हो, लेकिन तुम तुम्हारे कैंडिडेट को बोल दो कि तुम्हारा बुक का स्टडी और तुम्हारा प्रैक्टिकल स्टडी है ना, उसके बीच में रिलेशन बनाए पहले वो। वही तो मैं कोरिलेट करके स्टडी कर रहे हो, उनको बोलो पहले रिलेशन बनाइए। तो वही आपका जो प्रैक्टिकल है वो थ्योरी है, उसके बीच में आप कंपैरिजन करो, कंपैरेटिव स्टडी करो, उसके बाद में आपको स्टडी करने में इजी जाएगा और जो भी स्टडी होगा वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो यही मैं एक्चुअली मैं गणेश यही बात बोल रहा हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कोरिलेट करें आपके प्रैक्टिकल लाइफ से। अगर आप ये नहीं करोगे तो मुश्किल है ये एग्जाम पास करना। मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा, सपोज आपके पास अभी अपेंडिक्स का एक पेशेंट आया है आपके वार्ड में, अभी तो आप बुक में क्या लिखा है कि अपेंडिक्स के पेशेंट को क्या रहता है, राइट साइड में मैक बर्निस पॉइंट में रिबोन टेंडरनेस रहता है। अभी सबको मालूम है रिबोन टेंडरनेस क्या होता है, कि कैसा रहता है, वो दबाने के बाद भी दुखता है, छोड़ने के बाद भी दुखता है, इसको रिबोन टेंडरनेस बोलते हैं। ये बात तुम जब बुक में पढ़ोगे खाली रिबोन टेंडरनेस नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आपको उधर हाथ लगा के देखने का है, दबाने के बाद भी पेन होता है, छोड़ने के बाद भी पेन होता है। क्या आप देखेगा बुक में पढ़ोगे और पेशेंट के ऊपर जाके देखोगे, आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते। तो इसका बोलने का मकसद क्या है कि आपको एक इमेज बनानी है, मतलब पिक्चर बनाना है आपके लाइफ में कि ये क्या है रिबोन टेंडरनेस, समझ गए। तो ये था फोर्थ पॉइंट, गणेश ने एक बेहतरीन पॉइंट बताया कि वो आप एक बार ध्यान में रखिए। ओके, फाइनल लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये टाइप रेकर पॉइंट है, ध्यान से देख लो। ओके, तो एक्चुअली मैंने जो किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार सोच लो कि आप के पास सिर्फ एक महीना है, एक महीने में आप क्या क्या कर सकते हो। ये सब ऐसे ही नहीं होगा, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, मेरा ये सब्जेक्ट बहुत वीक है। तो इसमें एक ही मज़ा है कि आप एक पेपर पे पूरे सब्जेक्ट एक साइड में लिख दीजिए, बाद में एक तारीख से 30 तक आपका जो एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले तक आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का डेट पे सब्जेक्ट शेड्यूल करना है। शेड्यूल करते वक्त क्या क्या करेंगे आप, आपका जो सब्जेक्ट सबसे वीक है उसको सबसे ऊपर डालना है। आपको एक दिन लगा, दो दिन लगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपका जो सब्जेक्ट वीक है उसको आपको स्ट्रांग करना है। कैसे करेंगे आप, ये सब्जेक्ट को ऊपर लेंगे और आप उसके साथ फटाफट पढ़ाई करते वक्त करेंगे। और पढ़ाई करते वक्त मैंने आपको जैसे पहले बताया ग्रुप डिस्कशन और एंड कोरिलेशन विद योर थियरी एंड प्रैक्टिकल, ये चीज़ें अगर आप सब कोलेबरेटिवली करोगे तो डीएमएर क्या एम्स भी बहुत आसान है। सिर्फ इतना ही कि एम्स में इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस एडिशनल हैं और आप ये सब मेरा जो फंडा है, ये मेरा और गणेश का जो फंडा है, अब अगर आप इम्प्लीमेंट अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली यू विल कमेंट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि मुझे डीएमएर का जॉब मिल गया, कि मुझे डीएमएर, आई क्रैक माई डीएमएर। तो इसी तरह से अगर आप स्टडी करोगे तो आराम से आप डीएमएर पास हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नीचे जो लाल सब्सक्रिप्शन बटन है उसको आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से आप क्या होगा ये फ्री में है और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे आराम से। और जो लास्ट चीज़,
कमेंट कीजिए, कुछ डाउट है तो मैं फ्री हूँ यहाँ पे। जैसा मैंने एमएनसी का जो मोर देन 500 पीपल का मैं हेल्प किया, उसी तरह से मैं हेल्प करूँगा आपके लिए। मैंने एक्चुअली चैनल बनाया हूँ, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबा के पुराने वाले, और यहाँ पे जो एक लिंक आ रही है यहाँ पे, तो उसको भी आप चेकआउट कर ले, सब्सक्राइब करें। अगर आप तनाव मतलब एग्जाम के तनाव में हो तो ये वीडियो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंटरटेनमेंट टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।